हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखिए, आज हमारे पास आया ये पेन हुक्का, जो कि दोस्तों स्मोकिंग के लिए यूज होता है। दोस्तों ये देखिए, ये आया आज हमारे पास ठीक होने के लिए। ये इलेक्ट्रिक है, तो इसको दिखाते हैं आपको खोल के, इसके डिब्बी के अंदर से निकाल के। ये कैसा है दोस्तों, देखिए ये कुछ इस प्रकार है, इस तरह का बना हुआ है दोस्तों ये। तो ये इलेक्ट्रिक है दोस्तों, चार्जिंग वगैरह लगा के काम करता है। तो ये कुछ लिखा हुआ है, वाइप सोल कुछ भी है जो आप पढ़ लेना दोस्तों स्टॉप करके। तो दोस्तों देखिए, आपको दिखाते हैं, यहाँ से आगे से खींचते हैं इसमें से, और ये पीछे इसका चार्जिंग का जैक दिया गया है दोस्तों, जो कि टूट चुका है। तो आज इसको खोल लेंगे और दिखाएंगे कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास भी पहली बार आया है ठीक होने के लिए। देखते हैं इसको खोल के हम सेफली खोल सकते हैं या ठीक कर सकते हैं, जो भी आपको दिखाएंगे कम्प्लीट वीडियो दोस्तों। तो इसका देखिए, हमने आगे से कैप उतार लिया है, और अब इसको देखते हैं निकाल के ये कहाँ से निकलेगा आगे। तो पहले इसकी सिल्वर वाली पट्टी दिख रही है, इसको निकाल लेंगे दोस्तों। देखिए निकल रही है आराम से, इसको भी निकाल लेते हैं एक बार। आगे देखते हैं इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, ये ऐसे खींचेगा कैसे खींचेगा दोस्तों। तो एक बार ये देखते हैं ब्लैक वाले को भी यहाँ से अलग करके। तो देखिए दोस्तों, ये पीछे की तरफ सरक चुका है, इसको खींचते हैं, जो कि ये पूरा ही बीच में से बाहर आ रहा है। तो इसको खींच के निकाल लेंगे बाहर, निकालते हैं इसको। और इसके अंदर काफ़ी लिक्विड गया है दोस्तों, या तो जो इसके अंदर ये लिक्विड डालते हैं वो लिक्विड ज़्यादा डाल दिया था, इस कारण ये पीछे जा चुका है। तो अब देख लेंगे इसको, एक बार साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह, जितना भी इस पे ये लिक्विड लगा हुआ है फालतू का, इसको साफ़ कर लेंगे दोस्तों। तो कपड़े से साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह दोस्तों, करते हैं इसको, देखते हैं कहाँ कहाँ पे इसमें लिक्विड है। तो इसमें जो कि एक सेल दिख रहा है हमें दोस्तों, छोटा सा सेल दिया गया है, बैटरी है जो इसकी, और एक छोटी सी प्लेट दिखती है दोस्तों। ये पता नहीं माइक सिस्टम क्या लगा रखा है इन्होंने दोस्तों, ICC इसके अंदर। तो देखेंगे इसमें क्या है जो चार्जिंग की दिक्कत है, इसमें करके देखते हैं इसको ठीक ये होगा या नहीं होगा दोस्तों, चलेगा नहीं चलेगा। तो हमने इसको देखिए यहाँ से साफ कर लिया, और आपको ये जैक दिख रही है टूटी हुई। तो इस पर ये छोटी सी प्लेट दी गई है, इस पर लगी हुई है जैक दोस्तों, और इसके इसके पीछे फोम है। तो इनको देख लेते हैं एक बार, देखते हैं कैसे निकलेगा दोस्तों ये। इसको पहले फोम को हिला के देखते हैं बाहर आएगी नहीं आएगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, फोम को निकालते निकालते थोड़ी सी प्लेट भी बाहर आ रही है। तो निकालते हैं इसको दोस्तों, यहाँ पे टेप लगी हुई है, एक बार बैटरी को अलग कर लेंगे। बैटरी को अलग करके देखते हैं बाहर निकाल के। तो यहाँ से कट कर लेंगे दोस्तों ब्लेड से, बिल्कुल आराम से कट करना, ताकि बैटरी भी ना लग पाए, और यहाँ पे एक तार भी दी गई है, तार भी ना कटे। तो बिल्कुल सेफली ब्लेड को चलाते हैं, और हमने कट कर लिया दोस्तों देखिए। तो अब निकालते हैं इसको बाहर, देखते हैं क्या चीज़ें बाहर निकलेंगी इसमें, कैसे इसको ठीक कर पाएंगे दोस्तों। तो देखिए इसकी सेल के साथ ये जो सेल है ये भी बाहर आ गया दोस्तों, और ये प्लेट है ये भी बाहर आ चुकी है, और ये नीचे भी इसके काफ़ी ये लिक्विड गया है, इसको भी साफ कर लेते हैं यहाँ से दोस्तों। तो देखिए हमने इसको यहाँ से साफ कर लिया है, इसकी देखते हैं प्लेट के पीछे भी काफ़ी ही दोस्तों लिक्विड बहुत ज़्यादा डाला है उन्होंने, इतना लिक्विड तो डालना भी चाहिए, अंदर कोई भी खराबी हो सकती है, जितना यूज थोड़ा बहुत ही डालना चाहिए। काफ़ी लिक्विड डाल दिया इसमें, जिससे कि सारी जगह फैल चुका है, और यहाँ पे इसकी जैक लगी हुई थी दोस्तों। देखिए यहाँ से ये जैक टूट चुकी है, चार्जिंग की जो जैक होती है दोस्तों, जिसमें चार्जर लगता है इसका चार्ज करने के लिए, वो यहाँ से टूट चुका है दोस्तों देखिए। तो इसको एक बार अलग कर लेंगे यहाँ से, प्लेट को यहाँ से निकाल लेते हैं हम बाहर दोस्तों, देखते हैं कैसे निकलेगी ये, कोई और भी है सिस्टम इसमें, नहीं तो इसके जो तारे दिख रहे हैं इन तारों को अलग कर लेंगे यहाँ से। तो निकालते हैं इसको दोस्तों फटाफट, देखते हैं आगे ठीक करके इसको, इसकी चार्जिंग जैक है या नहीं है, या कोई जुगाड़ बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ से आपको दिख रही है, देखिए दोस्तों ये तारे, इनको अलग कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे वीडियो मैंने थोड़ी सी फॉरवर्ड कर दी है, जो फास्ट कर दिया, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो दोस्तों। तो यहाँ से तीनों तारों को उठा लेंगे दोस्तों, देखिए। तो हमने इनकी तारों को अलग कर दिया है, और इसकी प्लेट को हमने जो कि बाहर निकाल दिया दोस्तों, देखिए छोटी सी प्लेट है बिल्कुल दोस्तों, जो सर्किट बनाया हुआ है इसका चार्जिंग का। तो इसको देखिए यहाँ से बिल्कुल हम साफ कर लेंगे एक बार, साफ करके देखते हैं इसमें यहाँ पे कितनी पीने दी गई हैं। तो दोस्तों हमने साफ वगैरह करके इसमें जैक लगा दिया, क्योंकि जैक लगाने का सिस्टम वही था दोस्तों, पर इसमें जुगाड़ी करना पड़ा है, जैक थोड़ी सीधी खड़ी करके लगानी पड़ती है दोस्तों। देखिए इसमें बिल्कुल सीधी खड़ी करके लगाई है हमने, जो कि यहाँ से हमने दोनों साइड से इसको मजबूती से टांग के लगा दी यहाँ से, जिससे कि अभी ये हिलेगी नहीं। और पीछे इसमें खाली दोस्तों दो ही तारे दिए हमने, एक प्लस की और एक ये माइनस की दोस्तों, दिख रही है आपको, ये वाली प्लस की माइनस की है दोस्तों। तो ये दोनों लगा के हमने टांग के इसको लगा दिया, और आपको दिखाते हैं अब इसमें चार्जर लगा के इसमें कैसे लाइट जलती है दोस्तों। तो लगाते हैं इसमें चार्जर दोस्तों फटाफट। तो देखिए दोस्तों, चार्जर लगाते हैं इसमें लाइट जलती है, लेकिन बाद में कम हो जाती है। तो कस्टमर यहीं बैठा है, वो बोल रहा है कि भाई इसमें लाइट ऐसी जलती है जब चार्जर लगाते हैं, तो एक बार ज़्यादा लाइट जगा के फिर बाद में बिल्कुल कम जल जाती है दोस्तों, और धीरे धीरे जैसे जैसे चार्ज होता रहेगा लाइट तेज होती रहेगी। तो देखिए एक बार वो लगा के दिखाता चार्जर, देखिए आपको दिख रहा है जैसे कि लाइट एकदम ज़्यादा होती है फिर बिल्कुल कम हो जाती है, और वो बोल रहा था कि धीरे धीरे तेज होगी दोस्तों। तो देखिए हमने इसको अभी यहाँ से लगा लिया चार्जिंग जैक, अब इसको आपको दिखाते हैं प्लेट को कैसे फिट करेंगे, क्योंकि
देखिए यहाँ पे प्लेट को डालते हैं तो ये अड़ जाती है, आगे नहीं जाती थी है दोस्तों, उस टाइम इसमें जैक नहीं लगी थी इस करके सीधा वहाँ से निकल आई थी, लेकिन ये जैक लग चुकी है, ऐसे डलेगी तो नहीं। अब इसको देखते हैं, इस तरह डालेंगे पीछे की तरफ से, इसमें दो लोक दिए गए हैं तो इन दोनों लोकों को देखिए ऐसे खींचेंगे और प्लेट को आगे सरका देंगे, देखते हैं इसको कैसे खींच के आगे जाएगी या नहीं जाएगी दोस्तों, नहीं तो किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो मैं हेल्प कम ही लेता हूँ दोस्तों, अकेला ही काम करता हूँ, इसलिए देखते हैं इसको हम अकेले ही डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। तो इसको देखिए दोस्तों ये थोड़ी सी अंदर आ चुकी है एक साइड से, थोड़ा सा और इसको खींचेंगे, देखेंगे दोनों को डालेंगे एक साथ, तो देखिए इसको दबा देंगे, दबाते थोड़ी आगे हो चुकी है, इस साइड से भी कर लेंगे दोस्तों, इसको ऐसे ही फटाफट फिट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ये जब पूरी तरह इन लॉक के अंदर प्लेट चली जाएगी तो ये सीधी हो जाएगी और इसमें सही तरह फिट हो जाएगी दोस्तों, तो इसको फटाफट दबा के डालते हैं अंदर, और देखिए दोस्तों ये जैक इसके अंदर सही तरह फिटिंग आ चुकी है। अब इसकी बैटरी को भी इसके पीछे लगा देंगे फोम वगैरह लगा के, तो लगाते हैं इसको आगे दोस्तों फटाफट, ये फोम हमने लगा दी है, तो कंप्लीट दिखाएंगे आपको इसको फिट करके, कैसे हमने खोला था इसको ऐसे ही आज फिट भी करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि ये भी पहली बार आया था, तो दोस्तों सोचा इसकी कंप्लीट वीडियो बनाते हैं, जो इसके अंदर फॉल्ट आ चुका है उसको ठीक करके कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, कैसे हम खोल पाते हैं इसको, कैसे ठीक कर पाते हैं दोस्तों। तो देखिए ये यहाँ से फिट हो चुका है, अब इसके ऊपर के जो देखते हैं जो कैप है वो लगा के देखते हैं दोस्तों, तो ये आगे से एक बार ये उतार लेते हैं, क्योंकि ये चेक करके देखा था चला के, तो अब ये देखिए ऊपर की जो इसकी कैप बनी हुई है कवर है, इसको इसमें डालेंगे दोस्तों। देखिए डालना आसान है, निकालना भी आसान था, जैसे कि हमने सोचा नई चीज़ है शायद खोल पाएंगे नहीं खोल पाएंगे, फिर ये सेफली खुल चुका है दोस्तों और सेफली ठीक भी हो चुका है। तो देखिए इसको यहाँ से डाल देते हैं, इसको थोड़ा दबाएंगे, इसमें लॉक होता है इसको, ये प्लेट है थोड़ी सी हल्की सी अड़ रही है तो इसको थोड़ा सा दबा लेंगे, तो देखिए दोस्तों ये हो चुका है यहाँ से। अब इसको आगे फिट करके दिखाते हैं, देखिए दोस्तों ऐसे दबाते ही ये आगे की तरफ हो चुका है और लॉक लग चुका है नीचे से, थोड़ा सा लॉक दिया गया था, तो देखिए अब ये लगा लेते हैं इसमें। अब ये देखिए इसको सेट कर दिया हमने यहाँ से, आगे वाला ये लगा लेंगे इसमें पैनल, तो ये हमारा पैन हुक्का रेडी हो चुका है ठीक होके। इसमें एक बार और चार्जर लगा के दिखा देता हूँ आपको, इसमें कैसे लाइट जलती है, क्योंकि ब्लैक दिख रहा है यहाँ से, देखते हैं कैसे लाइट दिखेगी। देखिए लगाते ही ब्लू कलर की लाइट आती है, दो लाइट आती है, दिखाता हूँ मैं आपको एक बार और निकाल के डाल के, तो देखिए दोस्तों जैसे कि इसमें ब्लू कलर की लाइट आ रही है और ये हमारा ठीक हो चुका है पूरी तरह पैन हुक्का। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, फिर मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। तो वीडियो देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद, जय जवाहर, वंदे मातरम, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, कर दिया हमने इसको ठीक।